हेलो गाइस, ये कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ मैं। कल रात की बात आपको बता रही हूँ। मैं जो है ना, मैं हूँ दीप्ति राजपूत। आप लोग मोस्टली मेरे वीडियोस यूट्यूब पर देखते रहते हैं। दीप्ति ब्लॉग्स के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल रात जो है ना, कल रात की बात मैं बता रही हूँ। दिल्ली NCR में कल रात इतनी तेज़ से भूकंप आया, इतनी तेज़ से भूकंप आया कि हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। हुआ क्या था कि 10:30 बजे रात को, कल मैं थोड़ा जल्दी ही सो गई थी और हस्बैंड का ऑफिस चल रहा था, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। सो मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही आराम से सो गए जाके। उसके बाद हस्बैंड ने एकदम सडनली हम लोग को आके जगाया, गोलू उठो, वैभव को गोदी लो और भागो यहाँ से, भागो। मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे लगा या तो फिर कहीं आग लग गई है या फिर सिलेंडर वगैरह लीक हो रहा है, इस वजह से ही ऐसे भगदड़ जैसे मची हुई है। और उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी भागो, तुरंत भागो, इसको बेटे को गोदी लो और तुरंत भागो। मैं इतने ज़्यादा आनंद फानन में उठी हूँ और फटाफट से उठ के मैंने वैभव को गोदी लिया है। और उसके बाद मैं फटाफट से सीढ़ियों के थ्रू, हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं दिल्ली में, सीढ़ियों के थ्रू मैं, हस्बैंड और बेटा, हम तीनों लोग ही इतनी तेज़ से भागे हैं। और सड़क के पास जो मतलब थोड़ा सा स्पेस जहाँ पर खुला हुआ है, हम लोग वहाँ पर जाके खड़े हुए हैं। और वहाँ पर मैं देखती हूँ, एकदम चौंकने वाला सीन था कि वो सड़क जो है ना, पूरी सारे जेंट्स और लेडीज से भरी हुई थी। मतलब सारे लोग ही वहाँ पर आकर इकट्ठा हो रखे थे क्योंकि इतना ज़्यादा भूकंप था, बहुत ही ज़्यादा झटके थे। मतलब बिल्डिंग इतनी तेज़ से हिल रही थी, ऐसे पकड़ के जैसे झकझोर दिया गया हो, इतनी ज़्यादा तेज़ से बिल्डिंग हिल रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा डर वाली भी बात थी। और मैं बेटे को लेके एकदम से भागी हूँ। इतना ज़्यादा मतलब मैं लाइफ में इतना ज़्यादा कभी नहीं डरी हुई थी जितना कल हम लोग डर गए। ऐसा लग रहा था कि बस जान बचे, बाकी कुछ बचे या ना बचे। तो मैं, हस्बैंड और बेटे, हम तीनों ही लोग सड़क पर जाकर खड़े हुए। सड़क खचा खच लेडीज और जेंट्स से भरी हुई थी और ये लग रहा था कि कहीं बिल्डिंग गिरने ही वाली है, गिरने ही वाली है। एक तो हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो 3rd फ्लोर से उतरते उतरते मेरे को टाइम लग गया, और हम लोग सोए हुए थे तो जगाने में और भागने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा था। ये दिल्ली NCR का जो भूकंप रहा, मेरे मतलब मेरी लाइफ में पहली बार मैंने इतनी तेज़ भूकंप देखा था और फील किया था कि एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। आज जो है ना, मैं दूसरे दिन वीडियो शूट कर रही हूँ। आज है नवरात्रि का दिन। माता रानी आप सभी को सुरक्षित रखें और हम सब लोगों के भी प्राण बचा कर रखें। इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं जो है ना, वो आती रहती हैं, बट मेरे लाइफ में ये पहली बार इतना तेज़ भूकंप था जो कि मुझे बहुत मतलब मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा डरा गया। और मोस्टली क्या है कि हमारे फ्लैट के जो सामने जगह है ना, वो खुली हुई जगह है। मतलब वहाँ पर 2-3 नहरें बराबर से पड़ती हैं, तो वहाँ पर खुला हुआ स्पेस है और अंदर जितना कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। तो सारे लोग एकदम से, सारे लोग ही निकल के और ओपन स्पेस में जाने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि बिल्डिंगें हिल रही थी तो लग रहा था कि कभी भी कोई भी बिल्डिंग गिरने वाली है। बट आप लोगों के मतलब ईश्वर का इतना रहम रहा कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हम लोग 15-20 मिनट तक वहाँ पर खड़े रहे और उसके बाद जो है ना, हम वहाँ से ऊपर आए। फिर भी रात भर अच्छे से नींद नहीं आई, फिर लगा कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा से फिर से झटके आने स्टार्ट ना हो जाए। बट फिर भी सब कुछ ठीक रहा, अच्छे से रहा और हम सभी लोग सलामत।